सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक एजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बात करने जा रहे हैं हम बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में, कि यदि आपका बजट 6th स्टैंडर्ड से ऊपर है तो उसको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करवाया जाए, एजुकेशन के हिसाब से कौन सा कोर्स करवाया जाए, कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा, डिप्लोमा के लिए कौन सा कोर्स सही होगा, आपको किस कोर्स के क्या एडवांटेज है, कौन से कोर्स में कितना समय लगेगा, समय के हिसाब से आप कौन सा कोर्स करवाए, समय के हिसाब से आप कौन सा कोर्स करवाए, या फिर एजुकेशन के हिसाब से आप अपने बच्चे को कौन सा कोर्स करवाए, इन सभी बातों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल न्यूटे केजी को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में आएगा एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूले, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में। तो दोस्तों, ये जो बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं वो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, कि कंप्यूटर का युग जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और यदि आने वाले युग की बात करें तो हर एक काम जो है कंप्यूटर से होने लगा है, क्या है, काम ऑनलाइन होने लगा है, डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। तो आपके लिए कंप्यूटर कोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज देंगे तो आने वाले समय में वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से सीख पाएगा, और टेक्नोलॉजी में आपका बच्चा पीछे नहीं रहेगा। तो आप या और कोई आपका बच्चा हो, या फिर आपका भाई हो, या आपकी बहन हो, तो कौन से कोर्स आपने करवाए अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से, तो उनके बारे में मैं आज बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कौन सा कोर्स करवाए। दोस्तों, पहले जो बात कर लेते हैं अंडर 10th, यानी आपका जो बच्चा है, या फिर आप यदि 6th क्लास से ऊपर, 6th क्लास यानी आपको कंप्यूटर कोर्स ना करवाए क्योंकि उसके लेवल के नहीं होते, तो 6th क्लास से ऊपर है या फिर और 10th के नीचे है, मतलब अंडर 10th, 10th के नीचे तक की क्लासेस के लिए मैं बताऊंगा कि आप सबसे पहले यदि आप उन्हें उनकी छुट्टियों में 3 3 मंथ्स की जो 1 2 महीने की उनकी छुट्टियां होती है उनमें आप से कोर्स करवाना चाहते हैं, कि उनमें वो कौन सा कोर्स करे, या फिर आप उन जो हॉलीडे उनकी आती है 3 मंथ्स की, आप उन्हें वेस्ट नहीं जाने देना चाहते हैं, तो आप उन्हें उस समय में कौन सा कोर्स करवाए, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ छुट्टियों में ये कोर्स हो, या फिर आप उसकी स्कूल को स्कूल में एक्स्ट्रा आप उसे नहीं दे पाएंगे, स्कूल को ही वे संभाल पाएगा या फिर एक्स्ट्रा नहीं जा पाएगा क्लासेस के लिए, तो आप छुट्टियों में ये कोर्स करवा ले। ये कोर्स है 3 मंथ्स बेसिक कोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 6th क्लास के आगे के स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि ये इसमें कंप्यूटर के बेसिक भागों के बारे में बताया जाता है, बेसिक बातों के बारे में बताया जाता है, क्या होता है कंप्यूटर, कैसे यूज किया जाता है कंप्यूटर, क्यों बनता है कंप्यूटर, कहाँ से आया था कंप्यूटर, इसकी जनरेशन क्या है, इसके बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर में जो पहली बात आती है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इस कंप्यूटर फंडामेंटल्स में बताया जाएगा कि कंप्यूटर के सभी भागों की जानकारी दी जाएगी, जैसे रैम, रोम, या फिर उसका जो मदरबोर्ड वगैरह है, सीपीयू वगैरह है, जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स, उनके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है टाइपिंग। तो टाइपिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है आज के लिए, क्योंकि टाइपिंग के बगैर आप कंप्यूटर चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक जॉब में आजकल टाइपिंग मांगने लग गए हैं, और टाइपिंग आएगी तो आप कुछ इस पर कीवर्ड्स टाइप कर सकते हैं, क्योंकि बिना टाइप के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी टाइपिंग में आपको कीबोर्ड्स की पूरी नॉलेज दी जाएगी, कीवर्ड्स के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इसमें आप अपने बच्चों को क्या होता है कि 6th स्टैंडर्ड या 10th के अंडर जो बच्चे हैं उनको पेंटिंग करने का काफी शौक होता है, तो इसमें आपको पेंट के बारे में सिखाया जाएगा, बिल्कुल एक कलर पेपर की तरह। इसमें आपको ब्रश मिलेगा, पेन मिलेगा, पेंसिल मिलेगी, आपको टाइप्स करने के लिए टेक्स्ट मिलेगा, कलर मिलेगा, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, जो आप सिंपली जैसे कागज पर आप ड्रॉइंग करते हैं उसी तरह से इसमें आप आसानी से ड्रॉइंग कर सकते हैं। तीसरा जो चौथा होता है उसको है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सिंपली जो वर्ड्स टाइप करते हैं अच्छे से बच्चा टाइप करने लगेगा, बच्चों का इंटरेस्ट इसमें कुछ ज्यादा है, क्योंकि इसमें तरह तरह के अक्षरों में डिजाइन लगाना, रंग बिरंगे डिजाइन्स बनाना, या फिर कलर से अपने नोट्स तैयार कर लेना, अच्छे से कलर उनमें दे देना, अच्छे से नोट्स तैयार करना, बिल तैयार करना, या फिर और अपनी जो रिज्यूम है वो वगैरह तैयार करना, वो आसानी से कर पाते हैं, और बहुत ही रंग बिरंगे टेक्स्ट
लगा सकते हैं और टेक्स्ट वर्क बना सकते हैं, थोड़ी पिक्चर्स एडिटिंग इसमें कर सकते हैं, ज्यादा तो नहीं होगी पर 3D पिक्चर्स अच्छे से आप इसमें एडिट कर सकते हैं और नोट्स वगैरह के लिए सबसे बेस्ट है। और जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्टों में कलर देना, टेक्स्टों की डिजाइन ना, वर्ड में डिजाइन देना, शब्दों में डिजाइन डालना, ये सब इसमें होता है, तो इसी कारण ये बच्चों को काफी पसंद आता है। ये तो बात हो गई कि 10 अंडर 10th के लिए जब वो छुट्टियों में कोर्स करता है। अब मैं बताऊंगा कि आप जब छुट्टियों के, आपकी बच्चा स्कूल भी जाना चाहता है और कंप्यूटर कोर्स भी आप उसे देना चाहते हैं, क्योंकि आप उसे आगे जाकर कंप्यूटर में भी भेजना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं ताकि वो उसका बेस पक्का रहे, या फिर छुट्टी जो उसकी हो जाती है उसके बाद 1 घंटे यदि आप कंप्यूटर के लिए निकाल ले उसके लिए, तो उसका वो 1 घंटा वेस्ट भी नहीं होगा और वो अच्छे से फालतू गेम्स की वजह अच्छी डायरेक्शन में जाएगा और अच्छा कंप्यूटर कोर्स कर लेगा, तो उसका जो फ्यूचर है वो उसके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो दोस्तों उस बच्चे के लिए आ जाते हैं कि वो कोर्स हो जाए होते हैं पूरे 6 मंथ के। अब 6 मंथ के लिए यदि कोई कोर्स करवा रहे हैं अपने बच्चे को, तो ये मैं बता दूं BCCA, BCCA जहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मंथ का ये कोर्स होता है। तो ये कोर्स आपको जरूर करवाना चाहिए ताकि इसके अंदर वो अच्छे से फंडामेंटल्स के बारे में, सब के बारे में सीख सकता हो और एक कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा बेस तैयार हो सकता है आगे की टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप इसे देख लीजिए, इसमें क्या क्या आते हैं मैं उनके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें वही चीजें आएगी जो पहले वाले में आई थी। सबसे पहले आता रहता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, दूसरा रहता है टाइपिंग, ये बेसिक, ये नहीं हटेगा, आपको बेसिक कोर्स के साथ साथ इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाएगा, वही माइक्रोसॉफ्ट पेंट आ गया, फिर उसी तरह से इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, और फिर आ जाते हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की चीजें आ जाती हैं, जैसे कि थोड़े बहुत जोड़ बाकी कर लेना, गुणा भाग कर लेना, मैथमेटिक्स की आ जाती है, जो उन्हें मैथ में काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं बच्चे, तो मैथ के लिए काफी बेस्ट है, जिससे आपके बच्चों का ध्यान मैथ की तरफ काफी अट्रैक्टिव रहेगा और टेक्नोलॉजी वाले में भी अच्छा सीख पाएंगे। और ये है इंटरनेट। क्या होता है कि दोस्तों बच्चे जो हमारे मोबाइल से इंटरनेट यूज करते हैं तो उसका मिस यूज कर लेते हैं, जिससे आपको भी नुकसान होता है, उनके फ्यूचर के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो ये इसमें बताया जाएगा कि इंटरनेट का सही यूजेज क्या होते हैं और वो इंटरनेट का यूज करके एक टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर बेस प्राप्त कर पाते हैं और आपका बच्चा एक गलत डायरेक्शन में जाने से रुक जाता है। फिर आता है फोटोशॉप। ये जो फोटोशॉप होता है इसमें फोटो ये एडिट करने के बारे में बताता है, फोटो में डिजाइन डालने के बारे में बताया है, तरह तरह की डिजाइने डालना, ग्राफिक्स डिजाइन के बारे में बताया जाता है। ये अगर सीख लेता है तो ग्राफिक्स डिजाइन का जो बेस है उसका पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होगा कि वह अच्छे से फोटोशॉप सीख लेगा, फोटो में डिजाइन वगैरह डाल देगा, तो इसका बेसिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। फोटोज की एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है, ये भी एक पेंट की तरह कार्य करता है लेकिन थोड़ा हाई लेवल का होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो बात करते हैं अब 10th से जो अबव है उनके बारे में, कि 10th से अबव आप है तो आप 10th के बाद में पढ़ाई नहीं करना चाहते, या फिर एक्स्ट्रा क्लासेज आप लेकर कंप्यूटर पर बेस अपना तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा कोर्सेज बेस्ट रहेगा? तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि उनके लिए जो बेस्ट कोर्स है वो DC है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप पीछे वाले सॉफ्टवेयर में भी मैंने उसकी जो है सॉरी कोर्स में भी उसकी फुल फॉर्म डाली थी, आप देख लीजिएगा। दोस्तों यह है 10th अबाउ के लिए 6 मंथ का DCA कोर्स। दोस्तों DCA कोर्स की जहां तक मैं बात करता हूँ तो आपको कम से कम 6 मंथ का कोर्स करना चाहिए, 10th अबाउ के बाद में आप करना चाहते हैं तो मेरा सजेस्ट ये करना, कम से कम 6 मंथ का जरूर करें। इसमें भी क्या आते हैं, वही आ जाते हैं जो पिछले वाले में आए थे, यहाँ तक तो आप देख सकते हैं वही आ रहे हैं जो 6 मंथ की 10th से नीचे के स्टैंडर्ड DCC में थे, BCC में थे। इसमें थोड़े से ऐड हो जाता है पेज मेकर और ये फोटोशॉप कोरल ड्रॉ। आप फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ को देख सकते हैं, मैंने अलग से इसे हाईलाइट किया है, ये देखिए इसे मैंने इसे अलग से हाईलाइट किया है, क्योंकि ये जो कोर्सेज करवाते करवाते इनकी गहरी नॉलेज इसमें दी जाती है, तो करवाते करवाते खींचते 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 काफी समय लग जाता है, 4 से 5 महीने लग जाते हैं, तो इनका पूरा गहराई से नॉलेज नहीं दिया जाता, ऊपर ऊपर से इनके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। तो दोस्तों ये था 6 मंथ का कोर्स, यदि आप 10th के अबव है तो इसमें काफी आपका बेस पूरा बहुत ही मजबूत हो जाता है, एक अच्छी ग्राफिक्स डिजाइन की ओर आपको लेकर चला जाता है और बहुत ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ओर आपको अग्रसर करता है, बढ़ावा देता है। ये आ गए फोटोशॉप के बारे में, कोरल ड्रॉ। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यदि आप एक्स्ट्रा क्लासेस में कर रही हो 10th के बाद में, तो एक 1 ईयर का कोर्स करें जो कि बहुत ही बेस्ट है,
इसके लिए मैं आपको रिक्वायर करूंगा कि आप ये कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट होता है आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज में। क्यों ना आप पूरे ईयर का कर लीजिए, 1 साल 12 मंथ का आप कोर्स कर लीजिए, ये बेस्ट रहेगा। इसमें एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ये 12 मंथ का कोर्स होता है। इसमें बहुत ही हाई लेवल तक आपको चीजें सिखाई जाएगी, बहुत ही ग्राफिक्स डिजाइन में आपको मदद करेगा, या फिर और जो वर्क है इसमें डिप्लोमा भी आपको अच्छा मिल जाएगा। जो आपको क्या होगा कि जो ग्राफिक्स डिजाइन की जो कंपनी है उसको में आपको काम मिल जाएगा, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप का अच्छा नॉलेज ले लेते हैं, तो आपको प्रिंटिंग की जो कंपनी है उनमें अच्छा सा काम मिल जाएगा, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी प्राइवेट जॉब के लिए। सबसे बेस्ट जो कोर्स है यही है। इसमें आता है वही कंप्यूटर फंडामेंटल्स और टाइपिंग जो पिछले वाले में आए थे, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। ये देखिए यहाँ तक तो जो है पिछले वाले में थे वो थे। इसमें जो फोटोशॉप की जो है वो गहरी नॉलेज दी जाती है, और फोटोशॉप के बारे में आपको काफी अच्छा बताया, तो इसमें जो है फोटोशॉप की नॉलेज दी जाती है, और फोटोशॉप के बारे में आपको अच्छे से ग्राफिक्स डिजाइन के बारे में इसमें बताया जाता है। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट कोरल ड्रॉ, जो कि आपको उस कोर्स में नहीं दिया जाता, जिसमें कोरल ड्रॉ की भी गहरी नॉलेज दी जाती है। और इसमें आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो टेली है वो है थोड़ी हाईलाइट है, क्योंकि इसमें करवाते करवाते 9-10 महीने का टाइम लग जाता है, तो टेली का जो आपको है अच्छे से नॉलेज नहीं दिया जाता, काफी ऊपर ऊपर से बताया जाता है। यदि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अलग से कोर्स आता है टेली का, तो आप वो टेली का कोर्स कर लीजिए, वो भी काफी बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यार मैं बता देता हूँ 10th अबाव के लिए टेली का जो कोर्स है उसके बारे में। और टेली का जो कोर्स है वो है 3 या 4 मंथ्स का, इसमें टाइम लग जाता है, 3 महीने का है, पर किसी किसी कई बार 4 मंथ भी लग जाते हैं, उस इंटर पर डिपेंड करता है वो कितने फास्ट आपको लेकर चलता है। इसमें इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कि जो आपकी डायरी या बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में, किस तरह से मैनेज होते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से उनकी जो बेसिक है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टेली सॉफ्टवेयर, जो आपका टेली का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कैसे यूज करना है, कहाँ से इसको क्रैक वर्जन वगैरह मिलता है, या फिर इसको सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर जो लार्ज क्रिएशन, आप कैसे क्रिएशन तैयार कर सकते हैं, कैसे बिल वगैरह जो क्रिएशन होते हैं वो कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। फिर वाउचर एंट्री, आप कैसे बिल वगैरह की जो एंट्री है वो दे सकते हैं, या फिर बिल की जो एंट्री होती है, या फिर कोई रसीद की एंट्री होती है, किसी की एंट्री करनी है, या फिर किसी की जो हाजिरी वगैरह आप लेते हैं एंट्री की, वो किस तरह से की जाती है, या फिर जो सरकारी कर्मचारी है उनकी हाजिरी वगैरह किस तरह से मैनेज होती है, इसके बारे में बताया जाता है। फिर वो आ जाते हैं इन्वेंट्री के अंदर भी आपको ये एंट्री वगैरह के बारे में बताया जाता है। इसमें थोड़ी हाई लेवल की हो जाती है, उसमें उनके मैनेजमेंट के साथ साथ उसमें जो सैलरी है उसके बारे में बताया जाता है। फिर ये है स्टॉक मैनेजमेंट, आप स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में इसको बताया जाता है, पूरा मैनेज किया आप स्टॉक को किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, अच्छे से नॉलेज इसका दिया जाता है। फिर है पेरियल सिस्टम, पेरियल सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से दिया जाएगा। पेरियल सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसमें अच्छे से जानकारी लिख सकते हैं। वेट एंड टेक्स्ट, इसमें बताया जाएगा कि आप वेट वगैरह जो वजन वगैरह है उन पर टैक्स किस प्रकार से लगाया जाता है, या फिर जो टोल टैक्स वगैरह है जो उनका टैक्स किस प्रकार से कटा जाता है। ट्रैफिक में इसका काफी यूज होता है, जब हम टैक्स वगैरह देखते हैं वो किस तरह से लिया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद में आ जाता है कंप्यूटर हार्डवेयरिंग। कंप्यूटर हार्डवेयरिंग का यदि आप मुझसे सजेशन ले तो आप ये कोर्स ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों आज से 8 या 10 साल पहले की बात करूँ तो इसमें काफी काम था, काफी वर्क था 8 से 10 साल पहले, लेकिन आज की तारीख में इसमें कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं है। तो मेरा सजेस्ट करना होगा आप ये न करें, क्योंकि दोस्तों पहले जो हार्डवेयरिंग में होता था, यदि आप चिप को लेकर हार्डवेयरिंग कर रहे हैं तो चिप जो है रिपेयर हो जाती थी, लेकिन दोस्तों जब से चाइना हमारे इंडिया में आया है तो ये काफी सस्ती जो है चिप्स देने लगे हैं, तो जो आईसी वगैरह डलने वाली है वो नहीं, कुछ पैसे और देकर नहीं ले लेते हैं, और यदि हम उन्हें रिपेयर करने बैठे तो उसका कॉस्ट जो इतना हो जाता है कि हमारे को कुछ भी बचने वाला नहीं है। हाँ यदि अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयरिंग करना ही चाहते हैं तो आप चिप से न करें बल्कि कार्ड्स से करें, आपको कार्ड्स को कैसे डालना है, कैसे ऐड करना है, कैसे सीपीयू वगैरह मदरबोर्ड इनके बारे में करें, तो इसमें भी थोड़ी बहुत कमाई आपके लिए अच्छी है। साथ में आप इसके जो कार्ड्स के साथ में आप एक कोर्स और करते जाए हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। कंप्यूटर नेटवर्किंग यदि आप करते जाएंगे तो
ये आपको कभी भी फेल नहीं मारेगा। मेरा मतलब है कि फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट है, नेटवर्किंग हमेशा आगे बढ़ने वाली चीज है। आप भी देख सकते हैं इंटरनेट नेटवर्किंग जो सर्वर्स वगैरह है, इसके बारे में आपको इसमें नॉलेज दी जाएगी वो कितना आगे बढ़ रहा है इंटरनेट आज के युग में। तो दोस्तों इसमें नेटवर्किंग सबसे बेस्ट रहेगी। तो ये थे कुछ कोर्सेज जो मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने आपको बताए हैं कि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की ओर कैसे अग्रसर कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ावा दे सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, और कैसे एजुकेशन के हिसाब से कौन सा कोर्स सही रहेगा, टाइम के हिसाब से कौन सा कोर्स सही रहेगा, उम्र के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से आपका बच्चे के लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा, ये थे नॉलेज। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नया सीखने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बाय बाय दोस्तों।